जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। इंडिया के सबसे बड़े जीटीओ ग्राउंड पर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के मेंटर सर शिशिर दीक्षित जी ने अपने खूबसूरत अंदाज में बच्चों को टाइगर हिल्स पर गुजरी शेर दिल देशभक्त जाबाजों की वो सच्ची कहानी सुनाई, जिसको सुनकर बच्चे काफी प्रभावित और प्रेरित हुए। तो आइए सुनते हैं टाइगर हिल्स की कहानी सर शिशिर दीक्षित जी की जुबानी। 1999 चलते हैं और 1999 में टाइगर हिल में एक सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का नाम सुना होगा। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह यादव को कौन सा चक्र मिला था? सभी को पता है परमवीर चक्र मिला था। कौन से रेजिमेंट को वो लीड कर रहे थे? 14। ओके, तो वो इसी वजह से उनको ग्रेनेडियर भी बोला जाता है, क्योंकि वो ग्रेनेडियर रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब टाइगर हिल पे उनके साथ और घातक जो आर्म फोर्सेस की एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं घातक कमांडो की टुकड़ी को दिया गया कि वो ऊपर तीन बंकर हैं पाकिस्तानी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं, उनको अगर हम नहीं मारेंगे, उनको अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हम शायद टाइगर हिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसमें से सात में से एक हमारे सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव भी थे। पूरी रात लग गई, शाम निकल गई, रात हो गई और 60 फीट नीचे तक वो पहुंच पाए थे और तब तक पाकिस्तानी बंकर को पता चल गया और पाकिस्तानी बंकर को पता चला तो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। कंधे पे गोली लगी हमारे सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव साहब को और साथ में ऊपर जाते जाते उनके जो पांच उनके साथी थे वो शहीद हो गए। बट लास्ट तक उनका जो ऑब्जेक्टिव था, हम सभी रात बोलते हैं ना कि रात में जो जागता है वो आशिक होता है, ऐसा नहीं है। रात में आज आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो जब हम सो रहे होते हैं तो कितने लोग होते हैं जो बॉर्डर में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, कितने लोग होते हैं जो रडार को स्कैन कर रहे होते हैं कि कोई पाकिस्तान का जहाज अंदर तो नहीं घुसेगा। 1500 KMPS से जब जहाज जकवाबाद या कराची से अंदर जाएगा तो मुझे लगता है 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट में वो आपके राजस्थान सेक्टर में, अगर ऊपर की बात करें तो बीकानेर में पेंट्रेट कर जाएगा, नीचे जामनगर आ जाएगा और उत्तर लाई और जैसलमेर में जो हमारे स्ट्रेटेजिक बेस है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप बोलोगे कि मैं एयरफोर्स में रडार ड्यूटी आप कर रहे हैं, रडार में आप डिप्लॉयड हैं, रडार का स्कैन देख रहे हैं, आप बोलेंगे मुझे टॉयलेट जाना है, आप ऊपर टॉयलेट जाके नीचे आइए और 5 मिनट में आप टॉयलेट से वापस आएंगे, तब तक वो जकवाबाद से अंदर हमारे बीकानेर के अंदर एंट्री कर जाएगा, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, सीधे कोर्ट मार्शल है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन वन्स लाइफ। वंस यू ऑप्ट फॉर आर्म फोर्सेस, वंस यू मेक योर ड्रीम टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस, उतना ही चैलेंजिंग भी है, उतना ही स्ट्रगलिंग भी है, बट एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो ये विजन सेट होना चाहिए, एक गोल सेटिंग होनी चाहिए कि मुझे जाने के बाद क्या करना है। तो आज सभी अपना एक एक गोल सेट करेंगे कि मुझे रेजिमेंट क्या ज्वाइन करनी है, मुझे किस रोल में जाना है, मुझे गरुड़ कमांडो बनना है या वो घातक कमांडो वाली टुकड़ी में जाना है, मुझे फाइटर पायलट बनना है या मुझे हेलीकॉप्टर पायलट बनना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है या मुझे टेक्निकल ऑफिसर बनना है या मुझे मेडिकल ऑफिसर बनना है। जो भी आपका एम है अभी से उसको अभी से हाईलाइट कर दो, अपने रूम में लगा लो, वॉलपेपर पे लगा लो, जहां आप मॉर्निंग में उठते हो वही दिखना चाहिए, वैसा ही म्यूजिक सुनना शुरू कर दो, अपने रजिस्टर के पहले पेज पे उसका स्लोगन लिख दो, उसका टाइटल लिख दो। ठीक है, तो जब ये सब आप करना शुरू कर देंगे तो आप उसके लिए जीना शुरू कर देंगे, आप उसके लिए आपकी मैडनेस दिखना शुरू हो जाएगी। तो 1999 में उनको ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि तीन बंकर को तबाह करना है, ऊपर चढ़ना है टाइगर हिल में, और पूरी बर्फ भरी हुई थी। आप समझिए वो पूरी रात एक बीच में ऐसा लगा जहां पे पाकिस्तानी बंकरों को पता चल गया कि ऊपर चढ़ाई करते करते उन्होंने देख लिया, अटैक किया, बट उन्होंने अपने आप को मेजर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने अपने आप को कवर कर लिया, बर्फ से कवर कर लिया और होल्ड कर लिया 2-3 घंटे तक। दो तीन घंटे अगर शांति बना लेंगे तो शायद उनको लगेगा कि अभी खत्म हो गया। 3 घंटे तक होल्ड किया, जब उनको लगा यार कि अब तो कोई नहीं आएगा, तब वो फिर ऊपर चढ़ गए। पूरी रात चढ़ते चढ़ते वो ऊपर जाके उन्होंने पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक बंकर्स थे उनको तबाह कर दिया। और उनकी ब्रेवरी का एग्जाम्पल देखिए कि गोली लगने के बाद भी वो आज भी जिंदा है।
और 16 साल की एज में उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। मुझे लगता है तुम सभी की एज 16 या 17 18 ऐसे ही होगी। 16 साल में उन्होंने 1996 में ज्वाइन कर लिया था, और जब वो 19 साल के थे उनको क्या पता था कि ऐसा इन्फिल्ट्रेशन होगा, कारगिल जैसा वार होगा। और वो कितने यंग आर्मी सोल्जर रहे होंगे, आप सोचिए 19 साल में क्या ही पता होता है। जस्ट ट्रेनिंग करके पास आउट होके आप जाते हैं, और आज हम सभी उनकी ब्रेवरी के एग्जाम्पल देते हैं। मुझे लगता है कि आगे 100 सालों तक देते रहेंगे। तो ऐसे हमारे बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स हैं जिनकी ब्रेवरी से उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। कहते हैं ना कि आर्मी पर्सनल लीड बाय एग्जाम्पल, लिव बाय चांस, लव बाय चॉइस, एंड किल बाय प्रोफेशन। तो लीड बाय एग्जाम्पल, केवल बातें नहीं करनी है, करके दिखाना है, एग्जाम्पल सेट करना है, वो जज्बा पैदा करना है, वो इग्निशन पैदा करना है, वो चिंगारी पैदा करना है। वो जब कर ले जाओगे तो डेफिनेटली कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें लगेगा ट्रैकिंग एमबीए, यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, उससे बड़ी भी कुछ बातें हैं जब आप वंस यू मैनेज टू ज्वाइन इंडिया। और प्राउडफुली बहुत अच्छा लगता है जब तुम इंडिया में जाओगे। अभी जो बच्चे जाने वाले हैं कहते हैं सर सारे सीनियर्स का डिटेल यहाँ से नोट करते हैं, नोट करके लेके जाते हैं, जिससे उनको रगड़ा कम मिले, क्योंकि वो जाएंगे और बताएंगे आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो सेमेस्टर 6 हो, सेमेस्टर 5 हो या सेमेस्टर 2 हो, तुम इमीडिएट सीनियर हो या सुपर सीनियर हो, इंडिया में जब तुम जाओगे तो तुम्हें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी फ्लाइट मिलती है और तुम्हारा मोटिवेशन और हाई हो जाता है।